सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और ये आप इस वक्त जो देख रहे हैं, दीप दान का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। और दीप दान की अपनी एक महत्ता है सनातन धर्म में। यूँ तो हर प्रकार के कर्मों का एक अपना निजी महत्व है, लेकिन यदि हम बात करें कार्तिक मास की, तो कार्तिक मास में दीप दान का महत्व बहुत अधिक होता है। बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें दीप दान का अवसर मिलता है, और आज ऐसा ही अवसर हम सबको मिला है, और वो भी कहीं और नहीं वृंदावन में। वृंदावन जहाँ कहा जाता है कि कणकण में श्री कृष्ण का वास है, राधा रानी की कृपा जहाँ बरसती है, वही वृंदावन। और वृंदावन में लगातार प्रवाहशील होती यमुना मैया। यमुना मैया की यदि हम बात करें तो श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में इन्हें यहाँ पूजा जाता है। और आप जो इस वक्त दीप दान देख रहे हैं, ये यमुना मैया पर ही हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो श्रृंखला लगातार यहाँ पर दीपों की चल रही है, आप बहुत दूर दूर तक देख रहे हैं, दीप लगातार प्रवाहशील है। ये बता रहे हैं कि इनकी महत्ता क्या है। यमुना मैया पूरी तरह से जगमग है, और ऐसा लग रहा है मानो असंख्य तारे जिनकी छाया यमुना मैया पर पड़ रही है, और ये हम सबके मन को मोह रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। और यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो दीपदान के लिए आते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जो कार्तिक मास में हर दिन यहाँ पर आकर दीपदान करते हैं, जो यहाँ के बासिंदे हैं, जो यहीं करीब में रहते हैं। यहाँ पर एक सेवा और की जाती है कि यदि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप संकल्प लेकर भी अपने नाम से प्रतिदिन दीपदान करा सकते हैं। लेकिन लोगों की आस्था कुछ इस कदर जुड़ी हुई है कि वो स्वयं आकर यहाँ पर दीपदान करना चाहते हैं, और यही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। खुश बोलो यमुना मैया की जय।